टेकन यू गाइस टू सरला आश्रम, सरला बहन आश्रम और लक्ष्मी आश्रम यू कैन से। अभी हम जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है सरला बहन म्यूजियम। यहाँ पे आपको सरला बहन से रिलेटेड सारी चीजें इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेगी। पे जो पहाड़ों में, जैसे ये पूरे कौसानी में जो खेती होती है और वुलन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके लिए जो इक्विपमेंट तैयार होती है, लाइक उसको हम हिंदी में औजार कहते हैं। और म्यूजियम के नेक्स्ट में ही यहाँ पे एक इनका वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप में सारी वो औजारे और इक्विपमेंट वी कैन से वो सारी चीजें तैयार होती है। सो अभी वी विल गो इनसाइड द म्यूजियम। सपोज दैट वी वुड बी एंटरिंग द वर्कशॉप, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। कम इनसाइड। बहन जी का घर है, लंदन स्थित उनका घर है ये। ओके जी। और ये विद्यालय है जहाँ उन्होंने 1912 से 1970 तक अध्ययन किया था। 1932 में जब भारत आई सरला बहन जी, ये उदयपुर में, ये सरला बहन जी बीच में है, ये विद्या भवन उदयपुर का चित्र है। मोहन सिंह मेहता जी के पास वो सबसे पहले आई, वहाँ पर उन्होंने 2 साल विद्यालय में पढ़ाने का काम किया। ये है 1931 का चित्र है लंका शायर का, मिल मजदूर के साथ गांधी जी हैं। यहाँ पर सरला बहन गांधी जी से मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वह गांधी जी से नहीं मिल पाए। सो 41 में सितंबर में उत्तराखंड आगमन, इनका आगमन हुआ था उत्तराखंड में गांधी आश्रम में, एंड देन 46 में वो आखिरी बार मिली थी। हाँ, 46 में। और दिस इज द टाइम जब वो आश्रम बना था, ये है ना 5 दिसंबर गांधी जी के आशीर्वाद के साथ कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना, बालिकाओं के लिए प्रथम नई तालीमी विद्यालय का विविध प्रारंभ। सो यहाँ म्यूजियम में वैसे तो उनकी बहुत सारी मेमोरीज है, लाइक सारी फोटोज आप देख सकते हो, और एवरी फोटोग्राफ हैज अ स्टोरी। एंड दिस पार्ट, यहाँ पे सरला बहन के कपड़े हैं सारे जो उन्होंने बनाए थे, राइट? हाँ, खुद उन्होंने सुई और धागे से सिले थे। सो बिकॉज शी वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी, तो वो खादी में बहुत बिलीव करते होंगे, आई एम श्योर। आई कैन सी खादी के कपड़े यहाँ पे, हाथ से सिली हुई कमीज, सलवार, दुपट्टा, स्वेटर। तो यहाँ लिखा है सरला बहन जी की उपयोगित सामग्री। सो इन्होंने ये सारे कपड़े खुद से अपने हाथों से बनाए थे। कपड़ों के अलावा एक पिट्ठू, ये बैग भी है, सरला बहन जी हस्त निर्मित पिट्ठू। आश्रम के सदस्य थे, उनके नाम उनके पत्र हैं, और ये हस्तलिपि है उनकी, और ये गांधी जी के पत्र हैं। सी बापू रिटन हियर, ये उनकी खुद की हैंडराइटिंग है। हाँ, ये उनकी खुद की हैंडराइटिंग है, सरला बहन जी की हस्तलिपि। ओके। और कुछ किताबें उन्होंने लिखी थी, व्यवहारिक वेदांत आत्मकथा है उनकी। आश्रम दैट वी सॉ जस्ट अ व्हाइल अगो, उसकी ये पुरानी तस्वीर है, लाइक पहले ये आश्रम ऐसा हुआ करता था। 1973 में ये आश्रम ऐसा दिखता था, नैनीताल में बोटिंग करते हुए, 16 जून 1955। तो हमने उनके बनाए हुए कपड़े देखे उस साइड पे, और यहाँ पे एक चरखा है जो कि वो यूज किया करती थी। तो इस चरखे की एक सबसे खास बात ये है कि इसका ये जो पहिया भी है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, मतलब कहीं पे भी मेटल का यूज नहीं हुआ, ये भी लकड़ी ही है ना। हाँ, सब लकड़ी है। तो ये वाला वॉल जो है, यहाँ पे सारी पेंटिंग्स हैं, इधर गांधी जी, इधर कस्तूरबा गांधी जी, एंड हियर इज सरला बहन कैथरीन, बट या लोकल प्रेफर टू कॉल हर सरला देवी, उस नाम से ही जानी जाती है वो यहाँ पे। ये वाले पिक्चर में आप देख सकते हो उनके वुड बर्निंग स्टोव दैट केप्ट सरला बहन्स ऑफिस वार्म।
8 जुलाई 1982 में उनका निधन हुआ, तो ये उस टाइम की पिक्चर है। दीज आर द फ्यू बुक्स दैट शी हैड रिटन, अ लाइफ ऑफ टू वर्ल्ड्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इंग्लिश डिसाइपल्स। सो सरला बहन की ऑटोबायोग्राफी है ये। सो यहाँ इस म्यूजियम के वॉल पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बट एक जो मैसेज दिया है ना सरला देवी ने, दैट आई पर्सनली लव सो मच, फ्रीडम विल बिगिन फ्रॉम योर वेरी होम। इट इज पॉइंटलेस टू पुट द ब्लेम फॉर योर सॉरो ऑन कम्युनिज्म। द रूट्स ऑफ वॉर आर इन द वे दैट वी लीड आवर डेली लाइफ। गाइज आई फील सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसी ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वॉट आई केम टू नो कि लोग कौसानी आते हैं और ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं आते, दे कम ही है जस्ट फॉर द टी गार्डन और व्यू देख के चले जाते हैं, अनाशक्ति आश्रम जाते हैं, बट ये जो जगह है यहाँ बहुत सारे लोग नहीं आते। तो इन अ वे यू गाइज हैव टू बी थैंकफुल टू मी कि मैं आपको यहाँ पर लेके आई, बट नेक्स्ट टाइम आप कौसानी जब भी आओ प्लीज़ ये जगह आना, इसको एक्सपीरियंस करना। लाइक वीडियो जो आप देख रहे हो वो तो देख ही रहे हो, बट इस जगह की जो एक फील है ना, दैट विल लाइक गिव यू सच अ पॉजिटिव वाइब। सो मेक श्योर यू कम टू दिस म्यूजियम इन योर नेक्स्ट विजिट टू कौसानी। सो उस म्यूजियम से बाहर निकलते ही ये वर्कशॉप का पार्ट है जहाँ पे सारी बहुत सारे बनती हैं जिससे कि खेती में हेल्प होती है। ये एक सोलर ड्रायर है, ये प्रेम भाई जी हमारे वर्कशॉप के इंचार्ज हैं, उन्होंने इसको बनाया है तुलसी सुखाने के लिए। कितने टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में करीब उनका लगा 20-25 दिन लगे होंगे। 25 दिनों में बना दिया? हाँ। तो इसमें तुलसी पूरा फोल्डिंग बनाया है ना उन्होंने, इसको पूरा फोल्ड करके आदमी इसको एक जगह से दूसरी। अच्छा, ये पोर्टेबल मशीन है? हाँ। एक ये हस्तचालित पंखा है गेहूँ और धान का भूसा अलग करने के लिए। अच्छा, ये हाथ से चलता है? हाथ से चलता है। वाओ, कितना टाइम लगता है आपको ये बनाने में? ये बनाने में लगता है एक पंखा करीब दो तीन दिन से ऊपर लगेगा। और ये पिरुल रैक है, इसको ये नीडल के पाइन के नीडल जो होते हैं चीड़ की पत्तियाँ, हाँ, उनको कलेक्ट करने का काम, ये काफी अच्छा प्रचलित है यहाँ। और ये क्या है? ये ऊन कार्डिंग मशीन है, जो भेड़ों से ऊन निकलती है तो उसको काट करके कताई के लिए बनाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के औजार हैं, विभिन्न वैरायटी में अलग अलग रेक। ये सारी खेती में यूज होती है ना? खेती में। कताई बुनाई में काम आती है, रील भरने की काम आती है। ये बुनाई का है, इसमें कताई होती है चरखे में, उसके बाद इसमें लपेटा जाता है, वो इसमें गोल लच्छियां बनाई जाती है। इंटरनेट पे जब कभी भी आप लक्ष्मी आश्रम के बारे में पढ़ना चाहोगे या सरला देवी आश्रम के बारे में पढ़ना चाहोगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी, ये बात कि दे वर्क टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के लिए ज़्यादा एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, ये सारी चीज़ें स्किल्स सिखाते हैं वो। वैसे तो आश्रम स्टार्टेड इन 1946, बट ये वाला जो वर्कशॉप है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दैट वाज इन 1980। सो सबसे खास बात जो है इस जगह की वो ये है कि इस वर्कशॉप में ये सारे इक्विपमेंट, आई थिंक आई कैन से औजार, ये बनाते हैं ये लोग। इसका पर्पस ये होता है कि पहले जो है ये सारी मशीनें, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाया करते थे, तो वो एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो यहाँ के लोगों के लिए खेती करना या ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। तो इस आश्रम ने क्या किया कि यहाँ के लोकल लोगों को ये सारी चीज़ें बनाना सिखाया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बनने के बाद वो सारी चीज़ें यूज़ करके ये लोग खेती और ये जो हैंडलूम का काम है वो ज़्यादा स्पीड से करते हैं। तो फ़ायदा ये हुआ कि ये जो रॉ मटेरियल यहीं की, ये चीज़ें यहीं पे बनती हैं और यूज़ भी यहाँ के लोगों के लिए ही होती है। सो इन अ वे यू कैन ऑल्सो से दैट दिस आश्रम एंड ऑल्सो दिस वर्कशॉप, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट,
मतलब वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको स्पीड अप भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे औजारे यूज़ करके इनकी जो खेती का प्रोसेस है, हैंडलूम बनाने का जो प्रोसेस है, वो सब कुछ स्पीड अप होता है। तो अल्टीमेटली इट्स लाइक बूस्टिंग द इकोनॉमी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसी ऐसी जगह आके मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो द रीज़न वाई आई टुक यू गाइज टू दिस प्लेस इज़ बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कौसानी जब भी आओ, ये सारी चीज़ें आप पक्के से विजिट करके जाना। आई फील दैट माई डे हैज़ बिन रियली फ्रूटफुल। आज के जो दिन है, हमने आश्रम विजिट करी एंड देन राधा बहन से हमारी बातें हुई एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आई डेफिनेटली फील माई डे हैज़ बिन रियली लाइक प्रोडक्टिव। सो अभी यहाँ से आई मे गो टू बैजनाथ टेम्पल। बैक टू माई होम स्टे, द प्लेस नेम इज स्टे इन कौसानी होम स्टे। तो फिलहाल लंच का टाइम है और भैया जो यहाँ पे कुक है, उन्होंने कुछ लोकल खाना बनाया है। तो इस जगह की एक और ख़ास बात ये है कि इस होम स्टे में जितनी भी चीज़ें दे कुक, इट्स मोस्टली होम ग्रोन एज इन वेजिटेबल्स एंड ऑल। और गार्डन मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, गार्डन बागीचा जो भी कह लो। तो आज कुछ उत्तराखंड का स्पेशल कुछ खाना बना है और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मैं लिटरली भूखी हूँ अभी। तो मैं एक बार किचन में छापा मारने के लिए जा रही हूँ, जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दे हैव कुक्ड। ये होम स्टे का किचन है, क्या बनाया है भैया? हमारे यहाँ पर झोली कहते हैं इसको, झोली झोली और एक गहत की दाल। अच्छा, ये गहत की दाल है? गहत की दाल। चलो, गहत की दाल बनी है, यहाँ झोली बनी है। झोली इस कड़ी आलू बैंगन की सब्जी, आलू और बैंगन। ये और क्या बनने को मिला है? और राइस बनेगी। राइस हाँ। मैं तो भात खाऊंगी, भात और हरी मिर्च खाऊंगी साथ में। उसके बाद आपका रोटी है। रोटी तो मैं नहीं खाती, भात चलेगा। ये भैया सैलड काट रहे हैं यहाँ पे। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो मिर्च है ना सैलड में, ये मैंने कल खा रखी, इतनी तीखी है। और ये इनके गार्डन की, या इनफैक्ट ये जो खीरा भी है वो भी यहाँ का ही है ना, लोकल गार्डन की। तो सारा खाना, वॉट एवर दे आर प्रिपेयरिंग योर वेजिटेबल्स एंड ऑल, सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये जो स्पेस है, ये होम स्टे में, ये खाना खाने की जगह है। पुराने गानों के साथ हम उत्तराखंड का स्पेशल खाना खाएंगे, भात दाल और हरी मिर्च, आलू बैंगन की सब्जी, गहत की दाल बनी है। रियली स्टार्टिंग नाउ। I think I have to focus on the food now. Like I said, I'm starving. So I'd rather shut my camera and enjoy my food. Mm-hmm.